अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहुत खुशी की बात है कि जो अमीर शरीयत साहब के सरपरस्ती में एमएलसी निसार अहमद खान साहब, बीजेड जमीर अहमद खान साहब, बहुत बहुत सारी तंजीमें जो डीजेडली फसाद के अंदर जो नौजवान फंसे हुए थे उनकी रिहाई की जिम्मेदारी इन लोगों के कंधे पर अमीर शरीयत साहब ने सौंपी थी, तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए बल्लारी जेल से भी कुछ नौजवानों को श्योरिटी के साथ रिहा किए हैं। और इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि एडवोकेट सेक्युलर फ्रंट के सीनियर्स और उनके साथ जूनियर्स की मदद से अब तक 60 से 70 लोगों की श्योरिटी के साथ बल्लारी से भी रिहा किए हैं और बेंगलुरु सेंट्रल जेल से भी रिहा किए हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे वकीलों को जो अहबाब उनके खुद के पैसे खर्च कर उनके बच्चों को रिहा करने की ताकत रखते थे, उन लोगों ने भी बहुत सारे वकीलों को हायर करवा कर उन लोगों को रिलीज करवा के हैं। और इसके साथ साथ बेंगलुरु शहर में अब तक 200 से 250 लोग रिहा होकर है बोलकर मैंने भी सुना है। और इसकी मुबारकबादी मैं सेक्युलर एडवोकेट फोरम्स के सीनियर्स को और जूनियर्स को और उसके साथ साथ एडवोकेट अनीस साहब को भी दूंगा और उसके साथ साथ एडवोकेट ताहिर साहब को भी दूंगा। और नहीं मालूम और इंफरादी तौर पर और कौन कौन एडवोकेट्स रिहाई करवा के हैं, उन लोगों को सबको मैं मुबारकबादी देते हुए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी होम के हमदर्दी में उन नौजवानों के घरों की हालत को देखकर आप रहम का मामला करे हैं, आप लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं आज जो रिहा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो रिहा नहीं हो चुके हैं आप लोगों को श्योरिटी की जरूरत है। और आप लोगों को 20-20 25-25 केसों में फंसाए हुए हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, तो इन जो जो भी एडवोकेट्स आपकी मदद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह करें, या फिर आप लोगों को श्योरिटी की तकलीफ हो रही है तो आप कोई इसके अंदर सियासत नहीं है, आप लोग इसको गलत अंदाजे से और गलत नजरिए से ना देखें। आप लोगों की माली हालत नहीं होने की वजह से आप लोगों को श्योरिटी करवाने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे लोग उन एडवोकेटों के पास एनओसी लेकर आप आए हमारे पास, इंशाअल्लाह इसकी जिम्मेदारी का पूरे का पूरा जितना भी खर्च है वो नसीर अहमद खान साहब और बीजेड जमीर अहमद खान साहब और कुछ उनके साथ तंजीमें मिले हैं, मिलकर आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। और मैं मस्जिद वालों से भी गुजारिश करता हूं, आपके मस्जिदों में आप ऐलान करें इन नौजवानों के लिए कोई श्योरिटी देने का ख्वाहिशमंद है तो उनको भी इनकार नहीं करेंगे हम, वो भी आकर श्योरिटी दे सकते हैं। और दोस्त अहबाबों में भी कोई इन लोगों की श्योरिटी देने के लिए आप तैयार हैं तो आपकी श्योरिटी लेने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, आप लोग भी आकर श्योरिटी दें और इन नौजवानों को रिहा करने के लिए आप मदद करें। और मैं एडवोकेटों से गुजारिश करता हूं जितना जल्दी हो सके आप रमजान से पहले इन नौजवानों को निकालने के लिए तैयारी करें, इंशाअल्लाह श्योरिटी की जिम्मेदारी इन सियासतदानों ने और इन तंजीमों ने। और मैं इस वीडियो के जरिए जो अपील कर रहा हूं, जो कोई भी ख्वाहिशमंद है इनकी जमीन देने के लिए, श्योरिटी देने के लिए, वो आगे आए, इन लोगों की रिहाई करें। मैं आपको पता देता हूं आप एनओसी के साथ आना पड़ेगा, एक आधार कार्ड लेकर आए, जो कैदी हैं उनके आधार कार्ड के साथ एक फोटो के साथ एनओसी लेकर आना जरूरी है, क्योंकि हम उधर जा रहे हैं वो एडवोकेट के पास बेल हो गई है श्योरिटी देना बोलकर पैसे लेकर जाते हैं, नहीं मालूम हमारे पास लेकर और दूसरों के पास भी ले सकते हैं, ऐसा मिसयूज नहीं होना है, यह कौम की अमानत है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं आप उनसे एनओसी लेकर आए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों की रिहाई के लिए श्योरिटी के साथ साथ उनकी रिहाई का भी इंतजाम किया जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।